आई एल बी टॉकिंग अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लास्टिक सर्जरी इसको प्लास्टिक क्यों कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम लोग इसको प्लास्टिक सर्जरी बुलाते हैं बहुत लोग मानते हैं कि इसमें सर्जरी में हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं जैसे पॉलीथिलीन है इस तरह की जो चीज़ मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करने की वजह से इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी पड़ गया ये बात सही नहीं है प्लास्टिक सर्जरी जो ओरिजिनल टर्म बोरो हुआ था दैट वॉज बोरोड बिकॉज ऑफ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड द इस कॉल्ड प्लास्टिकॉस विच मीन्स मोल्ड मोल्ड द टिश्यू टू गिव इट अ शेप इस सर्जरी में हम लोग जो बॉडी शेप्स होते हैं बॉडी टिश्यूज होते हैं उसको मोल्ड करते हैं अपना डिजायर्ड शेप पाने के लिए इस मोल्डिंग की वजह से इसको प्लास्टिकॉस और प्लास्टिक सर्जरी नाम दिया गया इसमें कोई आर्टिफिशियल प्लास्टिक सर्जरी का यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है और आमतौर पर नहीं होता है सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेपन विच आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई ओके नाउ द अदर थिंग इज दूसरा बड़ी धारणा है यहाँ पे कि प्लास्टिक सर्जरी अगर फेल हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ज़िंदगी दुभर हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है प्लास्टिक सर्जरी आपके बेटरमेंट के लिए है आपकी अच्छाई के लिए है अगर प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल रहती है तो आप उसका फ़ायदा उठाते हैं आप बहुत अच्छे दिखते हैं या आपकी जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाती है अगर किसी कारणवश किसी को इन्फेक्शन हो गया कोई प्रॉब्लम हो गया और प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई तो उसको ठीक किया जा सकता है ऐसा नहीं कि फेलियर होने से इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी नो दे आर मेनी वेज टू करेक्ट इट अगर कुछ ऊंच नीच होती है किसी को इन्फेक्शन होता है किसी को शुगर की वजह से प्रॉब्लम होती है किसी को ओल्ड एज की वजह से प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि फेलियर इज फेटल नो क्लासिक सर्जरी फेलियर कैन बी करेक्टेड अगेन बाई नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी विच में बी अ स्मॉल करेक्टिव सर्जरी तो दैट इज अदर अनदर इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन फिर एक ये धारणा है कि हमारे इंडियन बैकग्राउंड में प्लास्टिक सर्जरी का जरूरत नहीं है नहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन पेशेंट्स को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है जैसे कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन है हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी होती है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होती है उस सर्जरी की वजह से बहुत डिफॉर्मिटी हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी लगती है अब वो पेशेंट इंडियन हो के बाहर हो फॉरनर हो यूरोपियन हो अफ्रीकन हो उसको वो सर्जरी चाहिए उसके इंप्रूवमेंट के लिए तो ये सजाई करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा उसका आगे का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो पाएगा सो इट इज नॉट लिमिटेड टू यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर इट इज आवर इंडियन पॉपुलेशन दे नीड इट एज मच एज द वेस्टर्नर्स नीड इट ओके होप आई हैव क्लैरिफाइड योर डाउट्स थैंक यू वेरी मच